नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड और उसके बाद जो है मैं आपको क्वालिटी से रिलेटेड वीडियोस दे रहा हूँ। तो क्वालिटी में मैंने आपको जैसे कि काइजन, पोकायोग, 5S, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपने वीडियोज़ को मिस किया है, नहीं देखे हैं, तो वापस जाके हमारे चैनल पर उन चीज़ों को देख सकते हैं। और जो है आज का टॉपिक जो है हमारा वो होगा व्हाट इज़ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। आज हम बात करेंगे इसी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जिसको कि हम TPM कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शॉर्ट फॉर्म होता है इसका TPM, टी फॉर टोटल, पी फॉर प्रोडक्टिव, एम फॉर मेंटेनेंस। तो प्रोडक्टिविटी रिलेटेड मेंटेनेंस की बात करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसे हम मेडिकल साइंस ऑफ मशीन्स कहते हैं, मतलब एक तरीके से मशीनों का जो मेडिकल साइंस, जैसे होता है मेडिकल होता है किसी भी, जब आप बीमार होते हो, अस्पताल जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो एक मेडिकल आपका ट्रीटमेंट होता है, उसी प्रकार मशीनों का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। मशीनों के इम्प्रूवमेंट पे काम किया जाता है कि मशीनें जो हैं आपकी अच्छे से कार्य कर सकें और जो है व्यवस्थित तरीके से रह सकें और आपको एक अच्छा आउटपुट प्रदान करें। जो कार्य आप चाहते हैं मशीनों से, उससे अच्छा ही वो कार्य आपको दे सके, अगर आप प्रॉपर TPM फॉलो करते हो, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। TPM का फुल फॉर्म है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि TPM जो है हमारा, उसका फुल फॉर्म क्या है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये तीन शब्दों को मिला के बनाया जाता है। कौन कौन से? टी फॉर टोटल, पी फॉर प्रोडक्टिव और एम फॉर मेंटेनेंस। टोटल का मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन, मतलब कि इसमें सभी को शामिल होना है। मतलब टोटल का मतलब जो भी लोग आपके वर्किंग प्लेस पे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इसमें सभी लोगों को इन्वॉल्व होना है, शामिल होना है। वह कंपनी का वर्कर हो या फिर कोई मैनेजर, इसमें सभी का शामिल होना जरूरी है। साथ ही TPM एक्टिविटी में भी डिपार्टमेंट, मशीन और इक्विपमेंट का शामिल होना भी जरूरी है। इसमें कह रहा है, इसमें जो आपका TPM था, टी फॉर टोटल, टोटल का मतलब सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट। मेन जो है इसका यही कहने का अर्थ है कि आपके यहाँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एक वर्कर हो, चाहे वो मैनेजर हो, कोई भी हो, किसी भी जो है पोजीशन पे हो, किसी भी पद पे हो, उसको, सभी को इसमें शामिल होना। टोटल मतलब एवरीवन हैज टू बी इन्वॉल्व्ड इन इट। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हमें हमारे प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देना है, सभी वेस्टेज, लॉसेस और कॉस्ट को कम करके। प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के साथ साथ इसमें जो भी आपके लॉसेस हैं, मतलब कोई जो आपका लॉस हो रहा है, वेस्टेज है, सामान खराब हो रहा था, वेस्ट हो रहा था, स्क्रैप हो रहा था, उन चीज़ों को कम करके आपको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। साथ में तीसरा है आपका मेंटेनेंस। आपको हमारी सभी मशीनों को मेंटेन करके रखना है, जैसे कि वह नई मशीन हो, क्योंकि जब हमारी मशीनें मेंटेन रहेंगी, मशीन न्यू होती है, तब वह बहुत ही अच्छा आउटपुट देती है। और यदि समय समय पर मशीन को मेंटेन नहीं किया जाता है, तो धीरे धीरे मशीन आउटपुट कम देने लगती है। मतलब कहने का अर्थ है, जब आपकी मशीन नहीं आती है या आपकी मशीन जो है वो न्यू है, तो क्या होता है, उसका आउटपुट ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू ओल्डर वन। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, उसकी सारी चीज़ों को चेक कर रहे हो, उसमें ऑयलिंग प्रॉपर कर रहे हो, साफ सफाई अच्छे से रख रहे हो, तो वही पुरानी मशीन आपकी नई के तरीके से काम करती है सारी चीज़ों पे, तो वो आपको बेहतर आउटपुट देती है। तो ये हमारा दोस्तों मतलब होता है TPM का, जिसको हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में एक एक चीज़ को हम जानेंगे। सबसे पहले TPM सोच में बदलाव लाना, जैसे कि ओल्ड फैशन एटीट्यूड TPM सोच में बदलाव लाता है। पहले यह अवधारणा थी कि आई ऑपरेट यू फिक्स मेंटेन। पहले ऑपरेटर कहता था कि मेरा काम है मशीन को चलाना और आपका काम है मशीन को मेंटेन रखना। पहले जो है TPM के आने से पूर्व जो है, या जहां TPM नहीं फॉलो होता, वहां पे एक अवधारणा, एक ओल्ड फैशन जो है, एक ट्रेंड चला आ रहा है कि जिसमें आपका ऑपरेटर कहता है
कि मेरा काम जो है मशीन चलाना है तो मैं मशीन ही चलाऊंगा, बाकी चीज़ें जो हैं मैं मशीनों की जो जानकारी है या आप मशीनों का मेंटेनेंस है या जो भी है वो कार्य वो नहीं करेगा। तो ये पुरानी सोच थी, टीपीएम ने इस सोच को बदला है। जब से टीपीएम आया है तो टीपीएम ने क्या किया है, इस पुरानी अवधारणा सोच को बदला है। टीपीएम कहता है कि मशीन को मेंटेन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। टीपीएम क्या कहता है कि मशीन को मेंटेन करना हम सबकी जिम्मेदारी, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मैनेजर, क्योंकि मशीन से ही आपका कार्य चलता है और मशीन को आपको मेंटेन करना रहेगा। इसमें कह रहा है हम, टीपीएम क्या कहता है, हम सब मालिक हैं हमारी मशीनों का, मतलब कि आई ऑपरेट आई मेंटेन। टीपीएम कहता है हम सभी लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में मशीन के मालिक हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूं तो आई विल मेंटेन, मतलब ऑपरेट मैं मशीन को चला रहा हूं तो मैं ही उसकी सफाई, उसकी चीज़ों, उसको मेंटेन करके रखूंगा। जैसे कि आपकी बाइक होती है या कोई भी चीज़ होती, तो आप रेगुलर उसको चलाते हो तो क्या करते हो, उसको मेंटेन करके रखते हो ताकि उसकी लाइफ अच्छी रहे। आप ऐसा तो नहीं कहते कि जो है मेरी बाइक है मैं चलाऊंगा, सिर्फ मेंटेन का काम मेरा नहीं है, मेंटेन कोई और करेगा। तो उसी प्रकार मशीन जो होती है, इसको आप चला रहे हो तो आप ही इसको मेंटेन करते हो, मतलब कि मैं ही मशीन चला लूंगा और मैं ही उसका ध्यान रखूंगा, क्योंकि मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर कोई मशीन के बारे में सबसे अच्छी जानकारी होती है और वही ऑपरेटर मशीन की देखभाल करेगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से मशीन को मेंटेन कर पाएगा। जैसे कि आपकी बाइक, मोटरसाइकिल का मैं एग्जांपल दे रहा था, उसको आप चलाते हो तो आपको पता रहता है कि कहां से आवाज आ रही, कहां से साउंड हो रहा है, कहां पे इसकी जरूरत है, कहां हवा कम है क्या, तो जो जो चीजें आपको लगती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उस मशीन को चलाता है उसको उस मशीन की समस्याओं के बारे में पता होता है, तो वो व्यक्ति क्या है कि सबसे अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर सकता है। टीपीएम ऑब्जेक्टिव, टीपीएम के उद्देश्य, जैसा कि आपको पता है हर एक चीज का एक अपना उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हम पुरानी वीडियोस में, जितनी भी वीडियोस हमने क्वालिटी से रिलेटेड देखी, उसमें मैंने हर चीज़ का आपको ऑब्जेक्टिव बताया, चाहे वो 5S रहा हो, चाहे वो पोका योक रहा हो, चाहे वो आपका काइजन रहा हो, हर चीज़ में दोस्तों क्या है, सबका एक उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होता है। उसी तरीके से टीपीएम का ऑब्जेक्टिव होता है। जीरो बैड, इसमें बी का मतलब है ब्रेक डाउन, जीरो बैड का मतलब है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो बैड, ZERO जीरो बैड। तो यहां पे बी का मतलब जो बैड होता है, जीरो मतलब सबसे पहले तो बैड में तीन चीजें हैं, बी ए डी। जीरो का मतलब तो आपको पता होगा कि जीरो है, तो बी फॉर होता है ब्रेकडाउन, ए का मतलब होता है एक्सीडेंट और डी का मतलब है डिफेक्ट। मतलब टीपीएम के द्वारा आप जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट और जीरो डिफेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टीपीएम जो है B फॉर ब्रेकडाउन, A फॉर एक्सीडेंट और D फॉर डिफेक्ट पे काम करेगा। जीरो मतलब एकदम कम कर देगा, जो है आपका ब्रेकडाउन ना हो, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो मशीनें अच्छी चलेंगी, एक्सीडेंट नहीं होगा तो आप सुरक्षित रहोगे और डिफेक्ट नहीं आएंगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। तो उसी पे बात करेंगे हम आगे। जीरो ब्रेकडाउन, इसका मतलब है कि हमारी मशीनें कभी भी उसके ना हमेशा काम चलते रहे, ब्रेकडाउन को हम जीरो कर दें, जिससे कि हमारा जो है ब्रेकडाउन क्या होता है, जैसे मशीन में ब्रेकडाउन किसे कहते हैं, ब्रेकडाउन मतलब मशीन चलते चलते रुक जाए या कोई समस्या के कारण मशीन आपकी खड़ी हो रही है कुछ समय के लिए, तो ब्रेकडाउन उसको कहते हैं। तो ब्रेकडाउन में क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, उस दौरान आप प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आएगी, लॉस होगी। लेकिन जब टीपीएम को फॉलो करोगे आप तो जीरो ब्रेकडाउन हो जाता है, इससे आपकी मशीनों का आउटपुट बहुत अच्छा रहता है और मशीनें अच्छा रिस्पांस देती हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करती हैं आपका। नेक्स्ट है जीरो एक्सीडेंट, टीपीएम के सहारे से क्या होगा, एक्सीडेंट्स को जीरो करना, कम से कम कर देना, कि आपकी जो मशीनें हैं वहां से मैन पावर से संबंधित कोई भी एक्सीडेंट ना हो, किसी को कोई खतरा ना हो, चीजों को अच्छे से हो पाए। जीरो डिफेक्ट में क्या होता है कि हमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम हमारी मशीनों को, प्रोसेस को, मेन पावर और इक्विपमेंट को इतना मेंटेन रखें कि गलती की कोई भी संभावना ना हो। जैसे मान लीजिए जीरो डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे आपकी मशीन है लगातार डिफेक्ट आते रहते हैं, तो डिफेक्ट से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है, वो स्क्रैप में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे हैं आप,
आप भरपूर नॉलेज के साथ अच्छी सेटिंग करते हो, अच्छा मटेरियल यूज करते हो, अच्छी मोल्डिंग करते हो, तो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है और डिफेक्ट के चांसेस कम होते हैं। तो उसी प्रकार टीपीएम में हम क्या करते हैं, डिफेक्ट को जीरो कर देते हैं ताकि डिफेक्ट्स ना आए। अब यहां पे 8 pillars ऑफ टीपीएम, टीपीएम के 8 स्तंभ हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो, उनको जानना जरूरी है। आपने जब भी टीपीएम के बारे में पढ़ा होगा तो आपने टीपीएम हाउस के कौन से बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें ऑटोनोमस मेंटेनेंस जो 8 चीजें हैं उन पे फोकस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ऑटोनोमस मेंटेनेंस, इसका अर्थ होता है यदि कोई ऑपरेटर किसी मशीन को चला रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी, वह ऑपरेटर ही उस मशीन का मालिक होगा। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मेंटेनेंस में क्या है कि जो व्यक्ति मशीन चला रहा है उसी की जिम्मेदारी है प्रॉपर मशीन को मेंटेन करना, उस पर कोई भी दिक्कत होती है या कुछ भी होता है तो ये सारी जिम्मेदारी जो है उसी पर्टिकुलर ऑपरेटर की होगी, वह भी उसका पूरा मेंटेन रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि मशीन वह चला रहा है और उससे मेंटेन कोई और कर रहा है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वह प्रतिदिन मशीन को स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरह से उसे चेक करे, जब भी ऑपरेटर मशीन को स्टार्ट करने जाता है डेली बेसिस पे मशीन को प्रॉपर चेक करे, उसकी क्लीनिंग का ध्यान रखे, साफ सफाई रखे, मशीन में पर्याप्त लुब्रिकेशन का ध्यान रखे, लुब्रिकेशन ऑयल वगैरह होता है उसका बराबर ध्यान रखिए, चेक करते रहिए मशीन में कोई पार्ट ढीला तो नहीं, मशीन में चेक कर लीजिए जाके, कोई पार्ट तो ऐसा नहीं जो ढीला हो या कोई बोल्ट वगैरह जो है ढीले हो, ऐसी सभी छोटी छोटी बड़ी बातों को ध्यान रखना मशीन चलाने वाले ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती। ये जिम्मेदारी मशीन ऑपरेटर की क्यों होती, क्योंकि मशीन ऑपरेटर जब खुद से ऑपरेट करता है तो उसको ये सारी चीज़ें जब जो आदमी डेली उस मशीन को चलाता है उसको आभास होता है, उसको पता होता है, उसको मालूम चलेगा कि कौन सी चीज़ में क्या दिक्कत है मेरी मशीन पे। तो हो सकता है कि देखो आप ऑपरेटर हो बहुत सारी जानकारी ना हो तो आपको ये तो चलाते वक्त पता चल ही जाता है कि ऐसी ऐसी कोई दिक्कत है, क्योंकि साफ सफाई करोगे, ऑयल चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, कोई बड़ी फॉल्ट है तो आप जो है आपके यहाँ जो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होगा वो उसको मेंटेन करेगा, पर जो आपका कार्य है एज एन ऑपरेटर आप उसको जो है भरपूर करिए। नेक्स्ट है फोकस इंप्रूवमेंट, इसे हम इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। इसमें हम अपने अपने एरिया में जो भी कमियां दिखती हैं उसे इंप्रूव करते हैं जिससे कि डिफेक्ट को कम किया जा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और प्रोडक्ट की कास्ट को कम किया जा सके। हम अपने आसपास कमियों को ढूंढते हैं, उन पे काइजन करते हैं। जैसे काइजन मैंने बताया था कि आसपास जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, आप रैंडमली देखते हो कि इस चीज़ को मैं थोड़ा चेंज करके अच्छा कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आती थी आपके काइजन में। उसी प्रकार यहाँ पे भी सबका अपना अपना एरिया, जैसे किसी का क्वालिटी विभाग है, किसी का एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है, किसी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो सबका अपना अपना एरिया है, सब लोग अपने अपने एरिया में काम करेंगे तो कार्य को बेहतर प्रणाली से कर पाएंगे, उसमें जो चेंजेस करने होंगे, ज़रूरी बदलाव करने होंगे तो वो उसको कर सकते हैं। तो ये आपका फोकस्ड इम्प्रूवमेंट था। फोकस ऐसा नाम ही दिया गया कि फोकस मतलब पूरी तरीके से आप फोकस रह पाए, क्योंकि एक एक डिपार्टमेंट होता है तो डिपार्टमेंटल एक एक व्यक्ति जो है अपने अपने डिपार्टमेंट में फोकस रख पाता है। नेक्स्ट है प्लांट मेंटेनेंस, इसमें हमारी जितनी भी मशीनें और इक्विपमेंट होते हैं उनके मेंटेनेंस की प्लानिंग करते हैं। अब चाहे वह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो या प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो, इसके अंदर हम प्लान कर लेते हैं यदि कोई मशीन में कोई पार्ट की लाइफ पूरी हो चुकी तो उसको खराब होने से पहले ही बदल दिया जाता है। समय समय पर प्लान करके मशीनों को मेंटेनेंस करते हैं। इसमें कोई कोई चीज़ें होती जो कि हमें हर दिन चेक करनी होती और कोई ऐसी होती जिन्हें हम एक हफ्ते या फिर एक महीने में चेक करें, तो हम उसके अनुसार प्लान करते हैं। देखिए प्लांट मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस का कहने का मतलब है आपके प्लांट का मेंटेनेंस। इसमें चाहे आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें, चाहे आप प्रिडक्टिव मेंटेनेंस करें, तो इसमें क्या है कि कोई भी पार्ट आपका है जो कि आपको लग रहा है डैमेज है, आपकी प्रोडक्टिविटी को ये सफ़र करा सकता है आगे, मशीन को दिक्कत कर सकता है, तो उस पार्ट को सही किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है और उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती जिनको हम रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं डेली, जैसे आयल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हम डेली चेक करते हैं मशीनों पे। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती जिनको वीकली चेक किया जाता, जैसे आपकी वायरिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हैं तो आप उसको वीकली बेसिस पे चेक करते रहते हो, तो ये सारी चीज़ें आती आपकी प्लांट मेंटेनेंस पे। थर्ड जो आपका फोर्थ है वो है क्वालिटी मेंटेनेंस।
क्वालिटी मेंटेनेंस में हम इस बात पर फोकस करते हैं कि हम पहली बार में ही प्रोडक्ट को एकदम ठीक बनाएं। ऐसा ना हो कि पहले प्रोडक्ट बन जाए और बाद में उसे हम जो ओके प्रोडक्ट को अलग कर रहे हैं और बेकार प्रोडक्ट को अलग कर रहे हैं, क्योंकि जीरो कंप्लेंट के लिए हमें कस्टमर को तो अच्छे प्रोडक्ट ही भेजना होता है। क्वालिटी मेंटेनेंस में क्या होता है दोस्तों, क्वालिटी मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इसमें आप कोशिश करते हो कि चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी बेसिस पे बेस्ट रहें, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो खराब ना बन पाए, डिफेक्टेड ना बने, तो इसके लिए जो है आपको जो है क्वालिटी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है कि हम एकदम से अवॉइड कर देते हैं कि प्रोडक्ट हम पहले से ही टेस्ट वगैरह करके कि इस सेटिंग से हम चलेंगे तो ये प्रोडक्ट बेस्ट हम निकाल पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन आपका हो गया फिर क्वालिटी वाले चीज़ों को अलग, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट अलग छाट लिए, जो डिफेक्टेड थे उनको अलग किए, इस तरीके में बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो इस प्रकार जब आप काम कार्य करते हो तो मशीनों को भी मेंटेनेंस मिलता रहता है और मशीनें प्रॉपर आउटपुट दे पाती हैं एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट है आपका जो छठवां स्तंभ है जिसको कहते हैं अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट को हम डेवलपमेंट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस पिलर में हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं आगे आ सकती हैं, मतलब अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट कहने का मतलब अर्ली पहले ही आप मैनेज कर लेते हो, आप अंदाजा लगा लेते हो कि हो सकता है इस चीज में मुझे आगे दिक्कत का सामना करना पड़े। जैसे कि हम कोई मशीन इंस्टॉल करने वाले हैं तो हम उसके लिए पहले ही प्लानिंग कर लें कि आगे उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उन सभी चीज़ों के लिए हम तैयार हैं ताकि हम पहले दिन से ही पूरा आउटपुट प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने मशीन को इंस्टॉल कर लिया और बाद में फिर कोई समस्या आ रही है जिसके लिए हमें रुकना पड़े और हमारा समय बर्बाद हो। बहुत सारी चीज़ें होती, एक यहाँ पे जैसे कि अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट है, तो जैसे आप एक मशीन खरीदते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मशीन के साथ साथ कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन खरीदे, अब आपको मोल्ड लगाना है तो आप सारे टूल्स पहले ही रख लेते हो इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं कि मोल्ड आ गया तो आप जो है उसको लॉक करने वाला ढूंढ रहे हो, क्लैंप्स ढूंढ रहे हो, नहीं है आपके पास तो फिर आप बाद में क्लैंप मंगाओ, ये करो, तो इसके लिए पहले से ही प्लान करके सारे सामान जो है पहले से ही व्यवस्थित कर लिया जाते हैं, जिससे कि जैसे ही मशीन आए और आप जो है प्रोडक्शन फटाफट स्टार्ट करके अपनी मशीन से आउटपुट प्राप्त कर सको। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये जो पिलर है, इस पिलर में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कंपनी में सभी कर्मचारी, जो भी वर्कर हो आपकी कंपनी में, इंडस्ट्री में, उसको बराबर ट्रेनिंग मिलती रहे। समय समय पर जो व्यक्ति ट्रेंड है वो अनट्रेंड या नए जो लड़के आते हैं उनको ट्रेंड करता रहे, जिससे क्या है कि उनकी भी स्किल डेवलप हो, वो भी ट्रेंड हो जाएं, और जैसे किसी मशीन पे जा रहे हैं तो उस मशीन के बारे में उनको ज्ञान दें, उनको नॉलेज दें कि ये मशीन में ऐसा होता है, साथ में सबसे पहले उनको सेफ्टी के बारे में बताएं हर मशीन के। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंतर्गत। सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट, इसमें हम बात का ध्यान रखते हैं जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह, सेफ्टी से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं आपकी कि मशीन, वही मैं बता रहा था इसके पहले पॉइंट में आपको, कोई भी नया आदमी आता है आपकी मशीन पर तो सबसे पहले उसको सेफ्टी सिखाइए, सेफ्टी कैसे ऑपरेट करना है, सेफ कैसे रहना है, अगर बाय चांस कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो उस समस्या को आप कैसे टैकल करोगे, सॉल्व करोगे, क्योंकि वो नया व्यक्ति है या पुराना व्यक्ति है, अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो समस्या में उसको घबराहट होगी और वो कुछ गलत कदम उठा सकता है उस दौरान। आप प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, हेल्थ का ध्यान रखोगे, सारे पीपीई जितने भी हैं उनको फॉलो करोगे और हर एक चीज़ का प्रॉपर इस्तेमाल करोगे तो आप जो है सेफ्टी और हेल्थ ये सारी चीज़ों पे अपने वर्कर्स के काम कर पाओगे। अब ऑफिस टीपीएम, जो हमारा लास्ट टीपीएम है जो है वो है ऑफिस टीपीएम। ऑफिस टीपीएम का मतलब यह नहीं कि हमें टीपीएम ऑफिस में करना है, इससे इसका नाम जैसे लिखा ऑफिस टीपीएम तो इसका ये मतलब नहीं कि इसको जो है ऑफिस के अंदर करना है। ऑफिस टीपीएम हाउस का सबसे आखिरी पिलर है जो कि बाकी सात पिलर को अच्छे से लागू करने में मदद करता है। तो जो ये ऑफिस टीपीएम है ये हमारा आठवां स्तंभ है, आठवां पिलर है। इसका कार्य क्या होता है, जो ऊपर के सातों पिलर्स थे जो मैं भी आपको सातों पॉइंट्स बता रहा था मेजर, तो वहां पे क्या है उनको सही तरीके से चलाने का कार्य जो है वो ऑफिस टीपीएम के अंदर होता है।
ऑफिस टीपीएम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वह इन सात पिलर को इंप्लीमेंट करने में बाकी दूसरे टेक्निकल स्टाफ की मदद करता है। जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं वो बाकी सातों चीजों को करने में आपकी मदद करते हैं कि सारे, जैसे कि हमें ऑटोनोमस मेंटेनेंस करना है और उसके लिए कोई चेक शीट बनाना है, या फिर किसी कार्य को करने के लिए कोई एसओपी तैयार करना है, या कोई प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड बनाना है, तब इन सब में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हमारी मदद करता है। जैसे कि आपको चेकलिस्ट बनाना है किसी मेंटेनेंस को करने के लिए, या उसको फॉलो कराने के लिए कोई रिपोर्ट तैयार करानी है, तो इन सब चीज़ों में आपका जो ऑफिस टीपीएम है उसके अंतर्गत जो लोग हैं वो आपकी मदद करेंगे। तो ये हमारे टीपीएम हैं। और हाउ टू डू टीपीएम, टीपीएम को कैसे लागू करें, अब आपने तो सीख लिया कि टीपीएम क्या होता है। टीपीएम के आठ स्तंभ हैं, आठ पिलर्स पे टीपीएम खड़ा हुआ है, आठ मेजर पॉइंट्स होते हैं टीपीएम को। अब टीपीएम को लागू कैसे, टीपीएम शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी कंपनी का करंट स्टेटस जानना होगा, जिसे हम करंट स्टेटस मैपिंग या DSR डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट भी कहते हैं। सबसे पहले टीपीएम शुरू करने से पहले आपको क्या जानना है, अपने कंपनी का करंट स्टेटस जानना होता है, कंपनी कैसी है, क्या चीज़ है, पूरा A to Z जितना स्टेटस होता है। स्टेटस मतलब छोटी से छोटी रिपोर्ट्स, आपको सारी चीज़ों को पता रहे और साथ साथ में मैपिंग पता रहे आपकी पूरी कंपनी में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों का आपको एक आइडिया हो। सेटिंग अप एंड ऑर्गेनाइजेशन टीम, जब हम अच्छे तरीके से करंट स्टेटस को जान लेते हैं उसके बाद हम एक टीम बनाते हैं। पहले स्टेटस जान लेते हैं कि भाई हर एक विभाग में जैसे जितने लोग हैं हमारे, कौन कौन क्वालिटी में है, कौन प्रोडक्शन में है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो उस हिसाब से किसकी क्या रुचि है और कौन व्यक्ति जो है क्या कार्य अच्छा करता है, तो ये सारा एक स्टेटस रिपोर्ट लेके उसके बाद जो है हम टीपीएम को लागू करते हैं। हम एक टीम बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम अलग अलग टीम्स बना लेते हैं कि टीम बेसिस पे हम काम करेंगे। आप बनाई गई उस टीम को हम सभी लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग प्रदान करते हैं, उन्हें सभी चीजों के लिए तैयार करते हैं। जो टीम हम बनाते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर गाइड करते हैं, हर एक चीज के लिए जो है हम तैयार करते हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार है एक ट्रेनिंग बेसिस पे। फिर है आइडेंटिफाइंग मॉडल एरिया एंड मशीन्स फॉर इनिशियल इंप्रूवमेंट। इसके बाद हम एक मॉडल एरिया चुनेंगे जिस पर हम टीपीएम को लागू करें, क्योंकि एकदम से बड़े एरिया पर टीपीएम लागू नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले छोटे एरिया को चुनेंगे, उसके बाद ही दूसरे एरिया पर टीपीएम लागू करेंगे। मान लीजिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, तो छोटा छोटा एक एरिया लीजिए पहले, वहां पे सारे जो पिलर्स मैंने बताए, चीजें बताएं, उनको इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर प्रॉपर इंप्लीमेंट हो पा रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आपको लग रहा है कि ये चीजें नहीं लागू हो पाएंगी तो फिर वहां पे आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि एकाएक पूरे बड़े एरिया में आप नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे एरिया कवर करना है। सबसे पहले छोटे एरिया पे टीपीएम लगाइए, फिर जो है उसके रिजल्ट के बेसिस पे जो है आगे आगे उसको करते चलिए, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। इंप्रूवमेंट ऑफ मॉडल मशीन टू द ओरिजिनल कंडीशन। मॉडल एरिया चुनने के बाद हम एक मॉडल मशीन चुनेंगे जिस पर हमें इंप्रूवमेंट करना होगा, उसकी ओनरशिप एक बड़े लेवल के एम्प्लॉय को देंगे और उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे जो कि मशीन को ऑपरेटर होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे छोटा एरिया चुना, अब छोटे एरिया में हम सारी मशीनों पे नहीं, एक मशीन पिक करेंगे। पहले एक मशीन पे हम एक नॉलेजेबल आदमी के साथ एक कोऑर्डिनेटर ऑपरेटर रखेंगे कि वो दोनों लोग मिलके उस पे मशीन पे कार्य करें, ये टीपीएम को फॉलो करें, चीजों को बढ़ाएं। और अगर अब यहां पर जो बड़े लेवल के एम्प्लॉय होंगे वह यह देख सकेंगे मशीन में किस प्रकार की कमियां हैं, तो इससे क्या होगा, जो आपका नॉलेजेबल स्किल्ड पर्सन होगा वो देखेगा कि मशीनों में किस प्रकार की कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, और फिर वहां उन कमियों पर काम करेंगे जिससे उन कमियों में सुधार आएगा। हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट ऑफ द अप्रोच टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जब हम एक मशीन पर टीपीएम के आठ पिलर को लागू कर लेंगे तभी दूसरी मशीन या दूसरे एरिया टीपीएम लागू करने के लिए जाएंगे। कहने का मतलब, सबसे पहले जो मशीन आपने सेलेक्ट किया उसमें आठों पिलर्स को अप्लाई करके देखिए, जब आप कर पाएंगे तभी आप जो है पूरी तरीके से आपको लगे कि हाँ आपने टीपीएम को अप्लाई किया और आपको वो रिजल्ट मिला, तभी आप मूव करेंगे दूसरी मशीन के लिए। और जब तक ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं मिलता, आप मूव नहीं करोगे। जब आप एक मशीन पे वो टीपीएम्स को फॉलो कर लोगे, करा ले जाओगे आप, तभी आपको आगे बढ़ना है।
फाइनली कवर्स आर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वॉल्वमेंट एवरी एम्प्लॉय फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे ही छोटे छोटे एरिया को सिलेक्ट करते हुए पूरी कंपनी में टीपीएम को लागू करेंगे। तो इसी प्रकार जैसे आपने एक मशीन से शुरुआत करी, मशीन पे कार्य अच्छा किया, उसके बाद आप बढ़ते जाएंगे, एक मशीन, फिर दो मशीन, फिर तीन मशीन, फिर एक एरिया कवर करेंगे, फिर दूसरे एरिया पे चलेंगे, तीसरे एरिया पे चलेंगे। इस तरीके से छोटे से लेके बड़े लेवल तक आप टीपीएम को इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपनी इंडस्ट्री में आसानी के साथ। तो टीपीएम ज़रूर करिए, अगर आपकी इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको करिए, या आप बड़े एम्प्लॉई हो तो जो है उसको फॉलो अप कराइए अपनी कंपनी में। छोटे हैं तो ये वीडियो शेयर करिए ताकि सब तक पहुँचे और जो है सारे लोग समझ पाएँ कि टीपीएम क्यों ज़रूरी है, क्यों किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेके, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी दबा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।